तो दोस्तों वीसीटी मीडिया और डी स्टार स्टूडियो के यहाँ पे हम आ चुके हैं। ये है रिसेप्शन और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा जो है पोस्टर लगा हुआ है। यहाँ पर सारे सिंगर हैं, जैसे कि खेसारी लाल का भी पोस्टर लगा हुआ है, धड़कन धरंजे का भी पोस्टर लगा हुआ है, मिठू मार्शल का भी लगा हुआ है, नए नए सिंगर का भी लगा हुआ है, शिल्पी राज का भी यहाँ पर जो है पोस्टर लगा हुआ है, नथुनिया बैगन लेला बहुत सारे गाना जो है यहाँ पे है, बंसीधर का भी यहाँ पे पोस्टर लगा हुआ है, इस पोस्टर में देख सकते हैं। और डी स्टार का जो है यहाँ पे बैनर भी है, अंदर में देख सकते हैं कि क्या गाने का प्रोसेस होता है, गाना गाने के लिए पैसा लगता है या नहीं लगता है, कैसे गाना गाया जाता है। स्टूडियो है, लाइव गाना होता है यहाँ पर। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं, स्टूडियो दिखाते हैं आपको और सर से बात करते हैं जो वीडियो और ऑडियो कंपोज करते हैं निकालते हैं म्यूजिक। तो चलिए चलते हैं। स्टूडियो का गेट, यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी लिखा हुआ है। दोस्तों ये है डी स्टार स्टूडियो, यहाँ पे स्टूडियो है, देख सकते हैं पूरा सेटअप यहाँ पे है। सेम वही स्टूडियो है जो आपने पहले देखा होगा या वीडियो में देखा होगा, गाने में देखा होगा। यहाँ से बहुत सारे सिंगर जो है गा के गए हैं और आते रहते हैं, गाते रहते हैं। तो सर बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, तो इनसे कुछ पूछते हैं गाना के बारे में। तो दोस्तों ये हैं डी स्टार स्टूडियो के सर जी जो गाना बनाते हैं, और गाना निकालने के बारे में कुछ इन्हीं से जानकारी लेते हैं। तो सर बताइए कि एक ऑडियो और वीडियो में पैसा कितना खर्च हो जाता है? स्टार्टिंग बजट नए सिंगरों के लिए तो कम से कम 5500-6000 तो लग ही जाता है। अच्छा, क्योंकि शुरुआती बजट है, अगर शुरुआत में ही अगर समझ लो काम गड़बड़ हो जाएगा तो फिर कौन देखेगा। नए लोगों के लिए है? नए लोगों के लिए है। अच्छा, बाकी तो भाई जो अच्छा गाते हैं उनका 50-50 हज़ार का, 1-1 लाख का वीडियो ही रहता है। अच्छा, जैसे खेसारी लाल का वीडियो होगा तो लोगों का बहुत महंगा बजट होता है, वीडियो का बजट 2-2.5 लाख रुपए कम से कम। अच्छा, एक वीडियो का बजट एक रहता है? वीडियो का कमाते तीन दिन चार चार दिन शूट पे लग जाता है। अच्छा, उसी हिसाब से बजट लगता है। और चलता भी है गाना? भाई चलता है तभी तो लगाते हैं, नहीं चलेगा कौन लगाएगा। जैसे मैं अभी गाना निकालूं एक गाना तो कितना खर्च पड़ जाएगा? अभी स्टार्टिंग बजट 5500 आएगा ऑडियो वीडियो का। जी, ऑडियो और वीडियो, वीडियो कौन से क्वालिटी में, HD क्वालिटी में रहेगा या 4K? सब 4K में ही बनता है। अच्छा, 4K में रहेगा और गाना स्टूडियो से हम गा सकते हैं? ढंग से गवाया जाएगा, ये नहीं रहेगा कि दिखावा कुछ अलग होता है। अच्छा, बाकी गायकी आपको भी मेहनत करना होता है, रियाज करना होता है। अच्छा, तो जैसे म्यूजिक जो बनता है वो नया पे बनेगा या पुराना पे ही बन जाएगा? पुराना अगर धुन खाली हो सकता है, लेकिन म्यूजिक नया बनेगा तभी कोई यूट्यूब पे चढ़ता है, नहीं तो कॉपीराइट आ जाता है भाई, चैनल कौन बंद कराएगा। अच्छा, कॉपीराइट की वजह से चैनल बंद हो जाता है और कमाई भी नहीं होता है, यूट्यूब से मेन कमाई होता है। सही है। जो है कब खुला था सर जी ये स्टूडियो? तो बहुत पुराना है, 7-8 साल हो गया। 7-8 साल हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, आपके स्टूडियो से अभी तक जो है कौन कौन से सिंगर गा के गए? सब गाते हैं, टुनटुन यादव, धनंजय धड़कन, अवधेश प्रेमी, मिठू मार्शल, सब गाते हैं। सब गाते हैं इसे। अच्छा, मनी महाराज भी कभी आए हैं यहाँ? आए हैं लेकिन गाए नहीं। अच्छा, यहाँ आए हैं लेकिन गाए नहीं है। ओके, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और बातें करके, स्टूडियो बहुत अच्छा है, जल्द आपके स्टूडियो से हम जो है गाना निकालेंगे। और ये इस वीडियो के माध्यम से जो भी आना चाहते हैं उनको आने का रास्ता या मान लीजिए कुछ सुझाव आप बता सकते हैं? बहुत आसान है, और ये दिल्ली में है, अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन गणेश नगर में आप आइए, वहाँ से किसी से पूछिएगा केला गोदाम गणेश नगर में, केला गोदाम आके, और मेरा नंबर होगा और उस नंबर पे फ़ोन कर लीजिएगा। BCT म्यूजिक या डी स्टार स्टूडियो या समझ लो BCT मीडिया आप सर्च करेंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। जैसे कि मैं आया यहाँ तो मैं, मुझे पता नहीं था कि यह स्टूडियो कहाँ पर है, लेकिन आप वीडियो देखते देखते वीडियो के माध्यम से हम आए हैं।
तो कोई और भी आएंगे तो वीडियो के माध्यम से भी आएंगे, इस वीडियो के माध्यम से आए। आजकल अब डिजिटल का जमाना चल गया है, ज्यादातर लोग यूट्यूब पे ही देख लेते हैं, नंबर मिल जाता है जी। लेकिन जैसे अगर नंबर नहीं मिलता है आपको तो आप बीसीटी मीडिया सर्च करेंगे तब भी मिल जाएगा, बीसीटी म्यूजिक सर्च करेंगे वहां से भी नंबर आपको मिल जाएगा कंपनी का, तो आप एनी टाइम फोन करके कभी भी आ सकते हैं। अच्छा, यहाँ से जो गाना गाते हैं वो YouTube पर जाता है और कहीं गाना मतलब जाता है क्या? गाना YouTube पे पहले छूटता है, उसके बाद में जितने भी OTT प्लेटफार्म है, Facebook, Instagram, Twitter, इन सभी पे गाना जैसे रील वगैरह बनाने के लिए उन सब जगह पे आपका गाना मिलेगा। अच्छा, एक बात और पूछ लेते हैं, बस ख़त्म करते हैं इस इंट्रोडक्शन को और इस वीडियो को। तो एक बात और बताइए, जैसे कि गाना सिंगर गाते हैं तो उसको मतलब कब से कमाई स्टार्ट हो जाएगा? देखो भैया, मेहनत करना होता है, तुरंत तो होता नहीं। जैसे आप शुरुआत कर रहे हैं तो शुरुआत का मतलब ये हुआ कि कुछ चीज़ें ना जानकारी होने के बावजूद भी समझ लो फिर शुरुआत करते हैं, और जब दो चार गाना गा लेते हैं तब समझ में आता है कि होता क्या है। तो जब गायकी ढंग का हो जाता है तभी गाना भी लोग सुनते हैं, पूरा गाना वाच भी आपका करेंगे। जब गाना अच्छा नहीं रहेगा तो एक मिनट डेढ़ मिनट देख के काट देते हैं, तो उसका जो व्यू होता है, वॉच टाइम पूरा होना चाहिए, वो चीज़ नहीं मिल पाता है, तो दूसरों तक पहुंच नहीं पाता है गाना उस टाइप का। अच्छा, जब गायकी ढंग का रहता है तो समझ लो फिर ऑटोमेटिक भागना शुरू हो जाता है। जब 1-2 लाख चलना शुरू होता है फिर पेमेंट आपको मिलना शुरू हो जाता है। अच्छा, पेमेंट में प्रोसेस क्या रहता है? पेमेंट में जैसे आपका यूट्यूब पे दिखा दिया जाएगा कि कितना कमाया है गाना। अच्छा, उस कमाई के हिसाब से फिर आपको 70% मिल जाएगा। अच्छा, 70% मिल जाएगा मुझे, 30% आपका होगा? 30% तो कंपनी का रहेगा। अच्छा, कंपनी का रहेगा। जैसे कि आप गाना बनाते हैं या आप डिजिटल में जितना भी खर्च हो रहा है वो जाएगा कटिंग में 30%, उसके बाद 70% मिलेगा सिंगर को। और राइटर को भी उसमें कुछ मिलता है क्या? राइटर अब भाई जब लिखता है तो उसका अगर गाना जब चलता है सिंगर का तो सिंगर या कंपनी दोनों मिलके उसको जो होता है उचित उस हिसाब से दिया जाता है। जैसे एक बार गाना खरीद लिए उनसे तो उसके बाद भी दे सकते हैं उनको कि दे सकते हैं भाई? अब अगर 1,000, 2,000, 10,000 या 20,000 या 1 लाख अगर आप कमाते हैं तो 2-4, 10,000 राइटर को देने में क्या जाएगा आपका? अच्छा, काहे से उसका भी मन लगना शुरू हो जाएगा कि और बढ़िया ढंग से गाना लिखें। अच्छा, ताकि और मार्केट में बवाल मचाए। ठीक है, ठीक है। आप सभी को डी स्टार कैसा लगा और यहाँ आकर गाना गाना चाहते हैं या शूट करना चाहते हैं, किसी तरह का जानकारी चाहते हैं गाना से रिलेटेड, म्यूजिक से रिलेटेड, तो आप संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है और एड्रेस भी है। और तब तक के लिए रखते हैं इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।